कि आपको एक्ने पिंपल्स और एक्ने पोर्स या फिर एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, सीवियर हेयर फॉल है, बाल्डनेस हो जाता है, तो क्या आपने सोचा है ये क्यों होता है? हमारे यहाँ बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज़ वाले बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ऐसे मेल और फीमेल पेशेंट में भी हैवी मात्रा में अल्कोहल डेली लिया जाता है। फीमेल पेशेंट्स कंटिन्यूसली ड्रिंकर्स रहती है या फिर चेन स्मोकर्स रहती है, और टीनेजर्स बच्चों में भी स्मोकिंग और अल्कोहल कॉलेज वाले बच्चों में बहुत कॉमन पाया जाता है। सबसे पहले तो हमें इनका ये एडिक्शन छुटवाना पड़ता है, उसके लिए उनको प्रॉपरली हर्बल मेडिसिन्स दी जाती हैं। कि आप हेवी मात्रा में चाय कॉफ़ी पी लेते हैं और वो भी भूखे पेट बार बार पीते रहते हैं, कि आप लिक्विड इंटेक आपका कम है, आप पानी बहुत कम पीते हैं इसके वजह से आपका यूरिन आउटपुट कम है, तो ये सब गलत बात है। आपको खाने से भी ज़रूरी रहता है लिक्विड्स, पानी आप जितना पी सके पीजिए। उसमें भी सवेरे उठ के आप आंवला, एलोवेरा, हल्दी, नीम, तुलसी या फिर व्हीट ग्रास का जूस, गिलोया का जूस ज़रूर पीना चाहिए। एलोवेरा का जूस आपके लिए रामबाण रहता है। अभी तो ताज़ा आंवला आराम से मिल जाता है, इसको आपको डेली खाना चाहिए, और इसका आपको अचार है या फिर सब्ज़ी है ऐसे बनाकर डेली आंवला खाना चाहिए। तुलसी के पत्ते रामबाण रहते हैं, तुलसी के बीज आपको डेली खाने चाहिए, जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। अभी तो कच्ची हल्दी भी बाज़ार में आराम से मिल जाती है, कच्ची हल्दी दूध में उबाल के उसका गोल्डन मिल्क बन जाता है, वो आपको और आपके बच्चों को डेली लेना चाहिए। तो हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम हमेशा सेकेंडरी प्रॉब्लम रहता है, प्राइमरी उसका रूट अलग रहता है। ये मोस्टली बिकॉज ऑफ जेनेटिक रहता है या फिर सीवियर एनीमिया, डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन या बहुत सारा केमिकल मेडिसिंस ले लेते हैं या फिर केमिकल प्रोडक्ट स्किन पे या हेयर्स पे अप्लाई कर लेते हैं पेशेंट लॉन्ग टर्म में, या फिर ओवर स्ट्रेस के वजह से बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नीम की गोलियाँ खा लेते हैं, कोई ड्रग्स खा लेता है, ओवर अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में धीरे धीरे स्किन ख़राब होने लगती है और हेयर रूट्स डैमेज होकर कंप्लीट बाइंडनेस आने की शक्यता रहती है। इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट रहती है पंचकर्मा, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रीटमेंट रहता है, और विद इन 5 to 10 days हेयर फॉल स्टॉप किया जाता है। विद इन 3 to 6 months पूरे हेयर्स रीअपियर हो जाते हैं, और स्किन में फेयरनेस और ग्लो के लिए स्पेशल स्किन ट्रीटमेंट दी जाती है मेल फीमेल पेशेंट्स को, इवन टीनेजर्स को, चिल्ड्रंस को, जिससे कि कलर एकदम फेयर हो जाता है और एक्ने, पोर्स, बर्न स्कार्स या फिर स्पोर्ट्स इंजरी के स्कार्स हो गए तो वो भी कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं।